प्रदेश सरकार द्वारा शनिवार, रविवार, सोमवार के लॉकडाउन की घोषणा के बाद लॉकडाउन का खासा असर दिखाई दिया। जहां एक ओर सड़कें सुनसान दिखाई दी, वहीं दूसरी ओर बाजार भी पूरी तरह से बंद दिखाई दिए। केवल प्रशासन द्वारा मेडिकल स्टोर, दूध की दुकानों को परमिशन दी गई। वहीं लोग भी इस लॉकडाउन के प्रति जागरूक दिखाई दिए और कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी का डर लोगों के अंदर दिखा और लोग अपने घरों में ही कैद रहे तथा अपने घरों से बाहर नहीं निकले। केवल दवाई या इमरजेंसी में इलाज हेतु ही लोग अपने घरों से बाहर निकले। अखिल भारतीय हिंदू महासभा सहारनपुर देश में बढ़ती इस कोरोना महामारी में लगातार जन जन की हर प्रकार की सेवा कर रही है। सबसे पहले अपने कोविड हेल्पलाइन नंबर जारी करके सेवा प्रदान करने में जुटी हुई है। इसी तरह शहर के सभी शमशान में ज्यादा से ज्यादा समय देकर हर प्रकार की मदद कर रहे हैं। हिंदू महासभा के कार्यकर्ता जिसमें कोविड से हुई मृत्यु को सहसम्मान अंतिम संस्कार में जुटी है। साथ ही लकड़ी की व्यवस्था, चिता के लिए लकड़ी काट कर इकट्ठी करना व साथ ही सभी प्रकार की मदद करने में जुटी है। चौधरी विश्व सिंह कामबोज, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश हिंदू महासभा ने बताया कि हम सेवा करने में लगातार लगे हैं, पर सेवा करते टाइम की कोई फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर वाहवाही लूटने में हम शामिल नहीं होना चाहते। चौधरी विश्व सिंह कामबोज ने बताया कि सेवा में साथ देने में शिवम शर्मा, अभि पंडित, रुद्र शिवा पंडित, सुरेंद्र भगाती, अनिल तुली, आशीष बसन का पूरा साथ मिल रहा है। कोरोना जैसी महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जहां सरकार इससे बचाव के लिए गाइडलाइन जारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन के लोग इससे बचाव को लेकर कदम उठा रहे हैं और जगह जगह इस बीमारी से बचाव हेतु दवाइयों का छिड़काव, सैनिटाइजेशन के अलावा ब्लीचिंग पाउडर आदि डाले जा रहे हैं। इसी के चलते आज नगर निगम ने घंटाघर, कोर्ट रोड, नेहरू मार्केट के अलावा अन्य जगहों पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया, जिससे कि इस बीमारी के बढ़ते प्रकोप को रोका जा सके और लोग इस बीमारी से बचे रहें। सहारनपुर पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना स्थलों पर आज सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग, स्कैनिंग और डॉक्टर की टीम मौजूद रहे। इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन के लोग मतगणना को पारदर्शी रूप से कराने के लिए मतगणना स्थल पर तैनात रहे, जिससे कि किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और जगह जगह सैनिटाइज, स्कैनिंग के साथ मतगणना स्थल पर लोगों को जाने दिया गया और मतगणना पूर्ण होने के बाद विजय प्रत्याशियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रमाण पत्र देकर बिना किसी शोर के उनके गंतव्य की ओर रवाना कर दिया। जगह जगह मतगणना स्थलों का जिलाधिकारी अखिलेश सिंह तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चिन्नप्पा द्वारा निरीक्षण किया गया और दिशा निर्देश दिए गए।